शादियां तो रोज होती हैं, लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह शोहरत सियासी या समाजी होती है। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत जरखेज है। आए रोज सियासतदानों की खुफिया शादियां आश्कार होती रहती हैं। आज हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की खुफिया शादियों के मुतालिक बताएंगे। बात करते हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कोई भी शादी ऐलानिया नहीं की माँ सिवाय एक शादी के, जिसको इन्होंने अपने अहले खाना के साथ अंजाम दिया था। इनकी जिस शादी का ज्यादा चर्चा रहा वो गुलाम मुस्तफा खर की तलाक याफ्ता बीवी तहमीना दुरानी से शादी थी। तहमीना दुरानी को अपनी किताब माई फ्यूडल लॉर्ड के हवाले से भी बेपनाह मकबूलियत मिली। ताहम तहमीना के दबाव पर शहबाज शरीफ को ये शादी पब्लिक करना पड़ी। इसके अलावा इन्होंने आलिया उर्फ हनी नामी औरत से भी खुफिया शादी की, जिसमें से इनकी एक बेटी खदीजा भी है। ताहम ये शादी तलाक पर मुंतज हुई। शहबाज शरीफ के बेटे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आयशा अहद मलिक से खुफिया शादी की, जो कि पहले से भी शादीशुदा थी। आयशा ने इख्तलाफात के बाद अपनी खुफिया शादी पब्लिक कर दी, लेकिन हमजा शहबाज ने कभी भी तस्दीक नहीं की। हमजा ने एक और खुफिया शादी कर्नल रिटायर्ड रॉस मसूद की बेटी महरुनिसा के साथ की, जो कि सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की बहन भी हैं और ये भी पहले से शादीशुदा थी। वजीर आजम इमरान खान ने भी रेहम खान से अपनी दूसरी शादी को खुफिया रखा, लेकिन मीडिया में खबरें गर्म होने पर इन्हें इस बात का एतराफ़ करना पड़ा, जिसके बाद इनकी निकाह की तस्वीर मीडिया की जीनत बनी। लेकिन दोनों की शादी ज्यादा अरसा न चल सकी। कप्तान ने बुशरा बीबी और उनकी पीरनी से अपनी तीसरी शादी भी कुछ अरसा खुफिया रखी, लेकिन बाद में इसे मंजरेआम पर ले आए। सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने साबिक एमपीए सीमल कामरान से खुफिया शादी की, जो कुछ ही अरसा चली। इसके बाद इन्होंने शादी को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इल्जाम तराशियों का सिलसिला अदालतों तक पहुंच गया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और नून लीग की साबिक रुकने असेंबली मारवी मेमन की शादी का भी चर्चा आम रहा। दोनों को बैरून मालिक के दौरों पर भी एक साथ देखा गया। इसहाक डार और मारवी मेमन का इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट भी रहा, जिसकी किसी को कानों कान खबर तक न हो। ताहम बाद दोनों में अलहदगी हो गई। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मौजूदा खातून मुहतसिब कश्माला तारी की दूसरी शादी का भी खूब चर्चा रहा, लेकिन दोनों जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। पंजाब के साबिक अबूरी वजीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा ने फिल्म स्टार सपना से खुफिया शादी की, जिसकी वजह से इनको वजारत आला से भी हाथ धोना पड़ा। सपना को बेटे की पैदाइश के बाद किसी ने नहीं देखा, जबकि सपना के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि इनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा सादर फीक ने भी खुफिया तौर पर दूसरी शादी की। इन्होंने पीटीवी की एंकर डॉक्टर शफक हीरा के साथ खुफिया शादी की, जिसकी किसी को कानों कान खबर न हुई। ताहम इक्तदार के आखिरी दिनों में इनकी ये शादी खुफिया न रही और फिर गिरफ्तारी के बाद तो बिल्कुल ही पब्लिक हो गई। पंजाब के वजीर आला उर्फ वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के हवाले से भी ये इत्तला हैं, इन्होंने डेरा गाजी खान के एक बड़े खानदान की लड़की से दूसरी शादी कर रखी है, जिसे इन्होंने लाहौर में एक अलहदा घर में रखा हुआ है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।